दोस्तों 15,000 रुपए की कीमत में अगर आप एक बेस्ट फोन लेना चाहते हैं और आप लेना चाहते हैं एक कमाल का और एक ऑसम फोन, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है, जहां पर मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप एक अच्छा फोन कैसे ले सकते हैं जिसमें एक अच्छी बैटरी हो, अच्छा कैमरा हो, अच्छी लाइफ हो, उसकी ड्यूरेबिलिटी हो और फीचर्स अच्छे हों उसमें। डिस्प्ले आप लोगों को एमोलेड मिले, सुपर एमोलेड मिले, या फिर आप लोगों को फुल एचडी डिस्प्ले मिले अंडर 15,000 की रेंज में, या फिर आपको एक ज़बरदस्त और एन पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर मिले जिससे कि यू कैन डू एनी वर्क विदाउट एनी हेजिटेशन एंड एनी लैग। सो अगर आप एक ऐसा बेस्ट फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। सो लेट्स इंटर द वीडियो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, साथ ही साथ ऑल का बटन दबा लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पांचवें फोन से, जिसमें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके स्पेसिफिकेशन, इसके फीचर्स, इसमें आप लोगों को क्या प्रॉज एंड कॉन्स मिलते हैं, इसका प्राइस क्या है। ये पाँचों चीज़ें एक फ़ोन की बताऊँगा, उसके बाद मैं दूसरे फोन पर बढ़ूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा अपने पांचवें फोन से। पांचवा फोन हमारा आता है यहाँ पर Realme 5 Pro। Realme 5 Pro एक अच्छा फोन है जिसमें आप लोगों को एक ज़बरदस्त बैटरी मिलती है, साथ ही साथ आप लोगों को इसमें मिलती है एक अच्छी डिस्प्ले, एक आप लोगों को अच्छा प्रोसेसर भी मिल जाता है। तो पहले इसकी जान लेते हैं स्पेसिफिकेशन, प्राइस, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं। Realme 5 की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टा कोर 2.3 GHz का आप लोगों को स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर मिलता है। अब अगर इस प्रोसेसर की बात करें तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर है जो कि आपकी गेमिंग्स की नीड को या फिर हैवी ड्यूटी टास्क को या फिर मल्टी टास्क वर्क को डे बाय डे यूज़ में कोई भी लैग और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। देखा जाए तो 4 GB रैम और आप लोगों को 64 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है, जिसमें 256 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं जिसको। डिस्प्ले की बात करें तो 6.3 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले मिलती है, जिसमें 409 PPI डेंसिटी आप लोगों को मिलती है। IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, जहां पर आप लोगों को बेजल्स बहुत ही पतले मिलते हैं, चिन भी बहुत ही पतला मिलता है। ब्राइट एंड क्रिस्प डिस्प्ले मिलती है जो कि आप लोगों को नॉच डिस्प्ले के साथ मिलती है। बैक से देखने में और फ्रंट से देखने में दोनों ही में बहुत ही औसम लगता है। कैमरे की बात करें तो 48+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, जहां पर आप लोगों को कैमरा परफॉर्मेंस में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जिससे कि आप गुड क्वालिटी के पिक्स ले सकते हैं रियर कैमरे से। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा मिलता है, जिससे कि मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, डिसेंट क्वालिटी की पिक्स ली जा सकती हैं, इसलिए मैंने इसको, आप जान रहे हैं कि मैंने पाँचवें नंबर पर रखा है। 4035 mAh की बैटरी आप लोगों को इसमें मिलती है। वॉक चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट मिलता है, USB टाइप सी पोर्ट मिलता है और फ्रंट में आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। अगर इस फोन की बात करें तो इसमें फीचर्स तो कमाल के आप लोगों को मिलते हैं, प्रोसेसर भी एक बहुत ही अच्छा मिलता है और इसमें देखा जाए तो बैटरी भी ठीक ठाक मिलती है, बट कैमरा परफॉर्मेंस में उतना अच्छा निखर कर नहीं आता है जितना कि बाकी फोन्स में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर इस फोन की बात करें तो ये फोन आप लोगों के पांचवें नंबर पे आता है। मैं ज्यादा लोगों को ये फोन रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा, बाकी आप आगे नेक्स्ट देखते जाएं फोन्स जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 13,999 रुपये की कीमत में आप लोगों को ये फोन मिल जाता है। चौथे फोन की अगर बात करें तो हमारा आता है सैमसंग की तरफ से M30s। इसको हमने चौथे नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं, जिसकी वजह से हमने इसको चौथे नंबर पर रखा है। कुछ चीज़ें अच्छी हैं इसलिए चौथे नंबर पर आ गया, वरना इस लिस्ट में ये फ़ोन ही नहीं आता। तो अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन, प्राइस और बताता हूँ कि आपको कौन से क्या है इसमें, फिर आपको लेना चाहिए या नहीं। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑक्टा कोर 2.3 GHz का आप लोगों को सैमसंग एक्सिनॉक्स 9 प्रोसेसर मिलता है, 4 GB रैम और 64 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। प्रोसेसर आप लोगों को वही सैमसंग का एक्सिनॉक्स 9 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि सैमसंग अपने फोन्स में यूज़ ही करता है, जिसमें मैं कहूँगा कि आप गेमिंग नहीं कर पाएंगे, बाकी मल्टीटास्क वर्क आप कर सकते हैं इसमें, यानी कि डे बाई डे यूज़ करना हो बहुत अच्छा है। हाई इन गेम्स आप ज़्यादा बढ़िया नहीं खेल पाएंगे।
डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंचेस की फुल एचडी सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट है जो ऑफिस वगैरह में वर्क करते हैं और उनको धूप वगैरह में भी निकलना पड़ता है, तो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा फ़ोन, क्योंकि इसमें डिस्प्ले आप लोगों को बहुत ही अच्छी मिलती है। इंटरटेनमेंट करना हो या फिर आपको मूवी वगैरह देखना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। कैमरे की बात करें तो 48+8+5 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है एलईडी फ्लैश के साथ। कैमरा परफॉर्मेंस के मामले में अच्छा फ़ोन है और रियर से आप बहुत ही अच्छे पिक्स ले सकते हैं। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है, तो मैं ये कहूँगा कि कैमरा परफॉर्मेंस में 16 मेगापिक्सल जो फ्रंट में कैमरा है उससे आप सेल्फी तो लेंगे बट उतनी नहीं अच्छी आएंगी, बट डिसेंट क्वालिटी की मिल जाएंगी। बैटरी यहाँ पे बहुत ही अच्छी मिलती है, 6000 mAh की बैटरी मिलती है, फास्ट चार्जिंग USB Type-C पोर्ट ऑप्शन मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों को 6000 mAh की बैटरी मिल रही है इस फ़ोन में। जैसे कि अगर जैसे कि आपको यूज़ करना है, डे बाय डे यूज़ करना होता है, ऑफिस जाना होता है, ऑफिस वाले बंदों के लिए सबसे बेस्ट फ़ोन है ये, जिसमें आप लोगों को फास्ट चार्जिंग भी मिल रही है, USB Type-C पोर्ट भी मिल रहा है, 6000 mAh की बैटरी मिल रही है, फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, तो एक अच्छा फ़ोन है। बट इसको मैंने इसलिए चौथे नंबर पर रखा है कि इसमें जो प्रोसेसर आप लोगों को मिलता है वो उतना ज़बरदस्त नहीं मिलता है जिससे कि आप इसको यूज़ कर सकें गेमिंग के लिए या फिर आपको हैवी ड्यूटी वर्क करना हो उसके लिए, तो प्रोसेसर के मामले में थोड़ा सा डाउनग्रेडेड है, इसलिए मैं इसको चौथे नंबर पर रखता हूँ। अगर इसके प्राइस की बात करें तो 13,999 रुपये की कीमत में आप लोगों को ये फ़ोन देखने को मिल जाता है। बात करते हैं हम यहाँ पर अपने तीसरे फ़ोन की। तीसरा फ़ोन हमारा आता है यहाँ पे वीवो की तरफ से Z1X, जो कि आपको बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन देता है, जिसमें आप लोगों को बहुत ही कमाल की डिस्प्ले और एक अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस और एक अच्छी बैटरी मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं, पहले इसकी स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं, फिर आपको प्राइस और बताते हैं कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑक्टा को 2.3 गीग्स का आप लोगों को स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर मिलता है, जो कि आप लोगों को रियलमी 5 प्रो में भी देखने को मिला, वही प्रोसेसर आप लोगों को मिलता है 6GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। डिस्प्ले की बात करें तो 6.3 इंचेस की सुपर एमोलेड फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, यू शेप नॉच डिस्प्ले के साथ, लुक वाइज बहुत ही अच्छा लगता है फ्रंट और बैक से। ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, 48+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिलता है LED फ्लैश के साथ, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। तो कैमरा परफॉर्मेंस में तो लाजवाब है ही, फ्रंट और बैक में आप लोग दोनों तरफ से अच्छी पिक्स ले पाते हैं। बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी मिलती है, ये कि एक बड़ी बात है कि आप लोगों को इस फ़ोन में 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है और USB Type-C पोर्ट ऑप्शन मिलता है, तो ये सारी खूबियाँ इस फ़ोन में आप लोगों को मिलती है। अब अगर बात करें कि इसमें आप लोगों को क्या चीज़ अच्छी नहीं मिलती है, इसमें अच्छी आप लोगों को ये चीज़ नहीं मिलती, इसको मैंने तीसरे नंबर पर इसलिए रखा है कि जो इसकी प्राइस रेंज है उसको देखते हुए यहाँ पर क्वाड कैमरा होना चाहिए था, 64 मेगापिक्सल का सेटअप होना चाहिए था, जो इसमें नहीं मिलता है। बाकी इसमें बैटरी भी आप लोगों को थोड़ी सी और होना चाहिए था, 5000 हो सकती थी, और यहाँ पर ये सारी खूबियाँ आप लोगों को इसमें नहीं मिलती है। बाकी फ़ोन बहुत अच्छा है, प्राइस में आप लोगों को थोड़े से घटते बढ़ते अलग अलग वेबसाइट्स पे हो सकते हैं, तो 15000 और 15000 से ऊपर भी, मतलब 800-900 रुपये ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं, वहाँ से आपको इसके प्राइस भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर हम अपने दूसरे फ़ोन की। दूसरा फ़ोन आता है Redmi Note 8 Pro, जो कि अंडर 15,000 के रेंज में सबसे बेस्ट फ़ोन है, जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाती हैं एक अंडर 15,000 की रेंज के फ़ोन में जो होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन और प्राइस। परफॉर्मेंस के मामले में 2.5 गिग्स का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, MediaTek Helio G90T प्रोसेसर, 6GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ, जिसको 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि आपको इंटरनल स्टोरेज अगर ज़्यादा एक्सपेंड करना है तो आप कर सकते हैं। डिस्प्ले में आप लोगों को 6.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसको Gorilla Glass 5 पे प्रोटेक्शन भी दिया जाता है, साथ ही साथ पतले बेजल्स और चिन भी पतला मिलता है। बैक में भी आप लोगों को Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, यानी कि ड्यूरेबिलिटी इसमें बहुत हो जाती है।
कैमरे की बात करें तो 64+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है डुअल एलईडी फ्लैश के साथ, और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। तो बहुत साइड से आप बहुत ही अच्छे और बहुत ही औसम पिक्सल ले पाते हैं, यानी कि डिटेल जो इसमें आप लोगों को मिलती है वो बहुत ही अच्छी मिलती है। यानी कि अगर आप फ्रंट से भी और बैक से दोनों ही तरफ से अच्छे फोटो लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छा फ़ोन हो सकता है। 4500 mAh की बैटरी, यानी कि 4500 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग यूएसबी टाइप सी पोर्ट ऑप्शन मिलता है। तो ये सारी खूबियों के साथ ये फ़ोन बन जाता है बहुत ही औसम। अब अगर बात करें इस फ़ोन को लेना चाहिए या नहीं, तो मेरी आप राय मानिए कि इस फ़ोन को तो आप ले ही सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को सारी खूबियां मिल जाती हैं। एक अच्छा कैमरा, एक अच्छी बैटरी, और आप लोगों को यहाँ पे एक अच्छी डिस्प्ले और ज़बरदस्त प्रोसेसर मिल जाता है, जिससे कि आप गेमिंग वगैरह आसान आराम से कर पाते हैं। अब जानते हैं हम यहाँ पर अपने पहले फ़ोन की। पहला फ़ोन हमारा आता है Realme XT, जो कि Realme की तरफ से एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी खूबियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए जानते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन और प्राइस। Realme XT की बात करें तो ऑक्टा कोर 2.3 GHz का आप लोगों को Snapdragon 712 प्रोसेसर मिलता है, 4 GB RAM और 64 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। यहाँ पर डिस्प्ले आप लोगों को 6.4 इंचेस की फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। कैमरे की बात करें तो 64+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है LED फ्लैश के साथ, और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। 4000 mAh की बैटरी, वॉक चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट, और USB टाइप सी पोर्ट ऑप्शन मिलता है। इन सारी खूबियों के साथ एक बहुत ही अच्छा फोन मिल जाता है, जहां पर आप लोगों को एक बड़ी डिस्प्ले होने के साथ साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, जिससे कि आपको एंटरटेनमेंट करना हो या फिर आपको इसमें गेमिंग करना हो वो बहुत ही आसानी से हो जाती है। जहां पर प्रोसेसर भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा मिल रहा है, उसके साथ साथ आप लोगों को इसमें एक ज़बरदस्त कैमरा परफॉर्मेंस मिल रही है, जो कि आपके Redmi Note 8 को भी टक्कर दे सकता है, बिल्कुल अच्छी टक्कर देता है। और एक ज़बरदस्त बैटरी, यानी कि फोर थोड़ी सी कम बैटरी मिल रही है बट ठीक है। USB टाइप सी पोर्ट जैसे ऑप्शन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं। अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग प्राइस रेंज है, कहीं पर 15,000 रुपये भी है और कहीं पर 16,000 भी है। तो आप इसको देख कर ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आई होप कि आपने एक फ़ोन पसंद कर लिया होगा और आपने चुन लिया होगा कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट लगा या आप कौन सा फ़ोन लेना चाहते हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का, और हमारी यहाँ पे एक विनती है कि आप इसको शेयर करिएगा उन लोगों को जो एक बेस्ट फोन लेना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।